वर्ल्ड वॉर वन में बहुत सारे लोग पहाड़ी राज्यों से ब्रिटिशर्स की आर्मी को सपोर्ट करने के लिए गए थे। बात तो ठीक नहीं थी, लेकिन एक बात अच्छी हुई वहां पे, वो ऐसे लोगों से मिले जिनकी जिंदगियां आजाद थी, जिनके पास बहुत सारे राइट्स थे। इसलिए ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन से आजादी की चिंगारी लेकर पहाड़ी राज्यों के लोग वापस आए थे। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर सेकेंड एपिसोड दिल से हिमाचली। अभी तक 80 गोरखा नसीरी बटालियन के कसौली में रिबेल कर चुके हैं। कसौली का सारा पैसा लेके जतोक चले गए हैं, जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं। वहाँ पे उनके और भी साथी हैं। अब इस समय पे एक र्यूमर, एक खबर फैलती है कि यहाँ के जो सोल्जर्स हैं, ये शिमला आ रहे हैं ब्रिटिशर्स को लूटने के लिए। तो लाजमी है, बहुत डर फैल जाता है। उस वक्त के शिमला के डेप्यूटी कमिश्नर विलियम हे मियाँ रतन सिंह, जो मंडी के राजा के परिवार से थे, उनको ये जिम्मा सौंपते हैं कि आप इन सोल्जर्स से मिलिए और जो भी इनकी बात है उसको सुलझाइए। उन्होंने ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पाया। उस वक्त शिमला में ब्रिटिशर्स के बच्चे थे, औरतें थी, ऑफिसर्स भी थे। ये कहते हैं कि जितना हौसला उस वक्त ब्रिटिशर्स को दिखाना चाहिए था, वो दिखा नहीं पाए। उनको बचाने के लिए कौन सामने आया? उनको बचाने के लिए सामने आए पहाड़ी राजा। सबसे पहले कियोंथल के राजा, जिन्होंने पहले ब्रिटिशर्स को अपने फोर्ट शिमला में रखा और फिर जुन्गा में। काफी सारे ब्रिटिशर्स कंटोनमेंट एरियाज चले गए थे, जैसे डकशाई, सबाठू, कसौली। बिलासपुर के राजा ने अपने 50 सिपाहियों को बालूगंज में ब्रिटिशर्स की सेफ्टी के लिए तैनात किया था। कियोंथल, धामी और भज्जी के राजा ने 60 सिपाहियों को दिया। कोटी और जुब्बल से 250 लोग तैयार थे अगर कोई भी मुश्किल हालात शिमला में बनते हैं उसको सुलझाने के लिए। सिर्फ एक राजा थे, राजा शमशेर सिंह बुशहर के। उन्होंने ना तो ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ना ही कर्टसी सेक भी कोई मदद की। 1857 की इस म्यूटनी को सप्रेस करने में अदरवाइज ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा समय लगा नहीं। उसके बाद जितने भी राजाओं ने, पहाड़ी राजाओं ने उनका साथ दिया था, उन सभी का बहुत शुक्रिया किया गया। बिलासपुर के राजा हरि सिंह को तो 11 बंदूकों की सलामी भी दी गई थी। 1857 के इस रिवोल्ट को तो दबा दिया गया था, लेकिन इससे बहुत सारे चेंजेस आ गए। जैसे जो हुकूमत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई थी, क्वीन के अंडर। लोगों को हौसला दिया गया कि वो घबराए नहीं, एक अनबायस तरीके से ये सरकार चलाई जाएगी। इसी के चलते जसवान के राजा जयसिंह के बेटे राजा राम सिंह को अल्मोड़ा से वापस बुला लिया गया। उनकी जागीर का उन्हें वापस मालिक बना दिया गया। दत्तरपुर के राजा जगत चंद के बेटे राजा देवचंद को भी वापस बुला लिया गया, लेकिन उन्हें उनकी जागीर वापस नहीं दी गई। नूरपुर के राजा की पेंशन दुगनी कर दी गई। चंबा के राजा को अडॉप्शन के राइट्स दे दिए गए। अब पहाड़ी राजा ब्रिटिशर्स से बहुत खुश थे, तरह तरह की पेशकश करके उनका शुक्रिया अदा किया गया। 1877 में जब दिल्ली में लॉर्ड लिटोन वाइसरॉय बनाए गए, इस समारोह में बहुत सारे पहाड़ी राजाओं को भी शामिल किया गया, जिनमें चंबा के राजा श्याम सिंह, मंडी के राजा बजाय सेन और बिलासपुर के राजा हीरा चंद थे। पहाड़ी राजाओं को अपनी जागीर तो वापस दे दी गई थी, लेकिन एक रूल लगा दिया था कि इन केस अगर वो सक्षम नहीं है अपनी जगह को संभालने में, अपने लोगों को संभालने में, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी वहाँ के गवर्नेंस में। और ऐसा हुआ भी बहुत सारी जगहों पे। 1902 में सुकेत में, 1940 भाजी, 1859 से 62 तक जुब्बल में ब्रिटिशर्स ने गवर्नेंस संभाली, 1873 में चंबा में, 1866 बुशहर, 1899 कियोंथल, 1911 में जब कैलकटा से दिल्ली ब्रिटिशर्स का कैपिटल बना, उस फंक्शन में भी पहाड़ी राजा शामिल थे। इसलिए जब 1914 और 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर वन हुई, तो राजाओं ने बहुत सारे लोगों को पहाड़ों से ब्रिटिश आर्मी में भेजा। हुआ तो ये गलत, लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब ये लोग वहाँ पे गए, लोगों से मिले, इंटरेक्शन हुई, पहाड़ अदरवाइज तो कट ऑफ रहते थे, खबरें भी यहाँ पे ठीक से नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन अब ये लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, घुल मिल रहे थे उन लोगों के साथ जो एक आज़ाद देश में रहते थे, जिनके पास बहुत सारे राइट्स थे,
उनकी बातचीत और विचार बिल्कुल अलग थे। यहाँ पर इनकलाब की चिंगारी लगी। उन्होंने भी ये महसूस किया कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, उन्हें भी आज़ादी चाहिए, एक बराबरी चाहिए सबके साथ की। वर्ल्ड वॉर वन के बाद का ही रिजल्ट था, जब ये लोग वापस आए तो ये लोग आज़ादी के जोश से भरे हुए थे और तभी से पहाड़ों में इनकलाब की शुरुआत हो गई। दैट वॉज episode 2 दिल से हिमाचली। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, पूरी हिमाचल की कहानी आपके सामने आने वाली है। थैंक यू।